तो हम लोगों ने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन कौन सी घटनाएं होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तीन पार्ट में सारे इवेंट्स को डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सी तीन इवेंट थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन पार्ट में सारे इवेंट्स को डिवाइड कर दिया गया था। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तीन है, कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए थे, याद है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या बताए थे, कौन कौन सी घटनाएं आएंगी प्री फर्टिलाइजेशन में। नंबर वन आएगा गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा था ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ, वेरी गुड। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, आज की क्लास में पढ़ेंगे सेकेंड इवेंट्स को, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से भी जानते हैं, बताइए क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, दूसरा नाम है शिंगगेमी। कौन सा गेमी, गेमी होता है फ्यूजन, शिंगगेमी। फर्टिलाइजेशन या शिंगगेमी एक ही चीज है कि अलग अलग है, पहला क्वेश्चन, आंसर है सेम चीज है, याद रहेगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फीमेल फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जब भी अगर सिंगगैमी होगा या फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, और इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, क्या बनेगा, दोनों फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आपके मेल गैमेट कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, इसलिए डिप्लॉइड होता है, याद रखना, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, कोई दिक्कत ये लाइन समझने में, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की घटना को ही फर्टिलाइजेशन या सिंगगैमी कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है पूरे रिप्रोडक्शन का। आगे पढ़ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, या कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं जिसे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज ना होते हो, आंसर है यस, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए बिना ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसे कोई एनिमल ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए बिना ही बच्चे पैदा हो जाते हो, तो याद रखना आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है कौन कौन से है, ऑप्शन लिखता है रोटीफर ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म में, रोटीफर ग्रुप पढ़ा है आपने, जूलॉजी वाले सर ने पढ़ाया होगा रोटीफर ग्रुप के बारे में, किंगडम एनिमिलिया में, तो रोटीफर ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, हनी बी जो है, मधुमक्खियां जो है, हनी बी जो है, और किसकी बात कर रहे हैं, लिजार्ड की बात कर रहे हैं, सम लिजार्ड में देखा जाए कुछ मधुमक्खियों, कुछ लिजार्ड में, सम लिजार्ड में, लिजार्ड समझते हो छिपकली, तो कुछ लिजार्ड की बात करें और कुछ पक्षियों की बात करें, सम बर्ड्स की बात करें, जैसे तुर्की नाम का बर्ड है, सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुर्की नाम का एक पक्षी होता है, तुर्की, के ई बाई, तुर्की, तुर्की नाम का पक्षी होता है, इन सभी के बॉडी में आपके बताइए गैमेट का फ्यूजन होता है कि नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता, तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी इन ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बिना ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, किसमें किसमें, इन सारे ऑर्गेनिज का नाम जिनका लिखा हुआ है एक बार देख लो ध्यान से, इनमें रोटीफर्स में, हनी बी में, सम लिजार्ड्स में, सम बर्ड्स में, जैसे कि तुर्की नाम का बर्ड्स जो है, इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज प्रोड्यूस हो सकता है, न्यू ऑर्गेनिज प्रोड्यूस हो सकता है, नया ऑर्गेनिज प्रोड्यूस हो सकता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, किस ऑर्गेनिज में हो सकता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर गैमेट बच्चे पैदा हो जाए, ऐसा किसमें किसमें हो सकता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा होने की घटना किसमें हो सकती है, सिंगगैमी किसमें नहीं हुए बिना भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, नाम बताइए तो उसे कौन से ऑर्गेनिज में जो सिंगगैमी किए बिना ही बच्चे पैदा कर दे, रोटीफर ग्रुप के ऑर्गेनिज,
हनी बी, लिजार्ड्स और बर्ड्स, ऐसे कुछ ऑर्गनिज्म है जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, याद रहेगा। आवाज तो आ रही ना मेरी? इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, नीट 2019 में था, विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा होने की घटना। ऑप्शन दे रहे हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, सही है गलत है? पार्थेनोकार्पी सही है गलत है? ट्रू या फॉल्स? गलत है। क्या कहते हैं तो फिर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सही आंसर पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, कार्पी नहीं, पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगी इस घटना को, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। वेरी गुड, जिन बच्चों को पता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए ऑर्गनिज्म के पैदा होने की घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इन सभी में क्या पैदा हो रहा है? एक नया ऑर्गनिज्म पैदा हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के भी, फीमेल गैमेट से अकेले, तो इस घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डालेंगे इसको? बिना फ्यूजन हुए, बिना फर्टिलाइजेशन हुए बच्चे पैदा हो गए तो ओनली फीमेल गैमेट से बच्चे पैदा हो गए, बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे पैदा हो गए, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। पार्थेनोजेनेसिस किस में आता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप में आता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। पार्थेनोकार्पी क्या था फिर? तो कार्पी मतलब फ्रूट्स बनना, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनते हैं, फ्रूट बने तो क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी। तो याद रखना कार्पी कब बोलना है और जेनेसिस कब बोलना है, याद रखना। विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा हो तो पार्थेनोजेनेसिस, और विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट बन जाए तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने की घटना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कार्पी मतलब फ्रूट होता है, कार्प मतलब। इस तरह आपको ये बात समझ में आ गई कि फर्टिलाइजेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं। कुछ ऑर्गनिज्म में बिना मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, इस घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस किसमें होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पार्थेनोजेनेसिस अकर इन रोटीफर ग्रुप के ऑर्गनिज्म में, हनी बी में, सम लिजार्ड्स में, सम बर्ड्स में। बर्ड्स का नाम भी लिखा है, तुर्की में होता, तुर्की एक पक्षी है, कोई दिक्कत? टर्की टुर्की जो बोलते हो आप इसको। अगली बार सिंगेमी कहां पर होगी, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? तो अलग अलग ऑर्गनिज्म में फर्टिलाइजेशन अलग अलग जगह पर होता है। नेक्स्ट लाइन है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, कौन सी जगह जहां फर्टिलाइजेशन होता है? तो अलग अलग ऑर्गनिज्म के लिए फर्टिलाइजेशन अलग अलग जगह पर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन में कहां फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन में कौन सी जगह फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। हाँ, फेलोपियन ट्यूब जो है वहां पर, फेलोपियन ट्यूब या इसी कहते हैं ओवीडक्ट, ओवीडक्ट फेलोपियन ट्यूब या ओवीडक्ट में जाकर, जो आपने नाम लिया जंक्शन का, वहां पर तो फेलोपियन ट्यूब में या ओवीडक्ट में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में। ह्यूमन में बच्चे पैदा होने का काम यहां होता है। ये सर डिटेल में पढ़ाएंगे आपको जियोलॉजी वाले सर कि ह्यूमन में कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट्स में कहां फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर होता है, कोई दिक्कत? तो ओव्यूल्स के अंदर, प्लांट में ओव्यूल्स के अंदर होता है, याद रखना। प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहां होगा? प्लांट में ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर। एनिमल्स में कहां होगा, ह्यूमन में कहां होगा? ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कहां होगा, ह्यूमन में होगा ओवीडक्ट में। ओवीडक्ट बोलो या फेलोपियन ट्यूब बोलो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बाकी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से देखना, इनमें कहां पर होगा फर्टिलाइजेशन? एल्गी में, मछलियों में, एल्गी में आपसे क्वेश्चन है अगला, एनसीईआरटी बुक की लाइन है, एल्गी में, फिश में, मछलियों में, एम्फीबियन में, इन सभी में कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा? मेल और फीमेल गैमेट कहां फ्यूज होंगे, बताइए कौन सी जगह है? वाटर में, पानी में अपना स्पर्म छोड़ देगा मेल, और फीमेल अपना ओवा पानी में छोड़ देगा, पानी में ही स्पर्म ओवा एक दूसरे को तैरते तैरते एक दूसरे टकरा जाएंगे और बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो यहां पर विदाउट क्वाइटस, विदाउट सेक्स मेटिंग किए, आपको मेल अपना स्पर्म पानी में रिलीज कर देगा, ओवा अपना, आपका फीमेल अपनी ओवा रिलीज कर देगी और पानी में स्पर्म ओवा मिल जाएंगे,
इसलिए कहां फर्टिलाइजेशन हुआ, आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी? इनमें कहां हुआ था? इसमें हुआ था इनसाइड द बॉडी। और इसमें कहां हो रहा है, एल्गी में, फिश में, एम्फीबियन में कहां हो रहा है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसे क्या कहेंगे, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए कौन सा फर्टिलाइजेशन कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। बताइए ह्यूमन में कहां होगा, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? कहां फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल। लड़कों के शरीर में होगा कि लड़कियों के शरीर में होगा या किसी दोनों में होगा, कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ह्यूमन में? फीमेल के शरीर में। मेल के शरीर से स्पर्म निकलकर चला जाएगा फीमेल की बॉडी में, और फीमेल की बॉडी में जाकर फर्टिलाइजेशन जो होगा ओविडक्ट में होगा, फीमेल की बॉडी में होगा। तो याद रखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फीमेल की बॉडी में, इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर वाटर में या कहीं जमीन में, कहीं बाहर में, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें किसमें होता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन किसमें किसमें होगा, एल्गी में, फिश में और एम्फीबियंस में। क्लियर है? फ्रॉग में कहां होगा, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? बाहर। एम्फीबियन, फ्रॉग एम्फीबियन में आता है, फ्रॉग जो है एम्फीबियन ग्रुप में आता है, मतलब फ्रॉग में बॉडी के बाहर रिप्रोडक्शन होगा। फ्रॉग अपना स्पर्म पानी में छोड़ देगा, और फ्रॉगनी जो होगी, फीमेल फ्रॉग जो होगी, वो भी अपना ओवा पानी में छोड़ देगी, पानी में तैरते तैरते वो स्पर्म होगा एक दूसरे से टकरा जाएंगे और बच्चा पैदा हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों में से एडवांस कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एडवांस है, एक्सटर्नल कौन सा एडवांस फीचर है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा एडवांस है, ह्यूमन में जो होता है सबसे एडवांस हम ही लोग हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा एडवांस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कम एडवांस है। अगली चीज बोले सर्वाइवल ऑफ द परसेंटेज किसमें हाई होगा, किसमें ऑर्गेनिज्म के बचने के चांस ज्यादा होते हैं, सक्सेस रेट किसमें हाई होगा बच्चे पैदा होने का, सक्सेस रेट इंटरनल में कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की सबसे खास बात यह है कि उसके अंदर बॉडी में आपके स्पर्म और ओवा को आपके एक दूसरे से फ्यूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पानी में कोई गारंटी नहीं है, पानी में स्पर्म फेंका, पानी में इधर ओवा फेंका, मान लो पानी बहुत तेज बह रहा था, सारा स्पर्म बहकर बह गया, ओवा टकरा ही नहीं पाया, बहता चला गया, बहुत तेज नदी में पानी बह रहा था, तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना भी हो। कोई दिक्कत? तो फर्टिलाइजेशन होने की कोई श्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है वो कंपनसेशन के लिए क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट भी बहुत सारा बनेगा और फीमेल गैमेट भी बहुत सारा बनेगा इनके केस में। समझ में आई बात? ये मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही बहुत सारे बनाएंगे। जिनके शरीर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या करेंगे, उनके शरीर में किसको जाना है, किसको वहीं रहना है, स्पर्म को मूव करके हो जाना है, तो नष्ट होने के चांस किसके गैमेट के या फीमेल गैमेट के, हमारी बॉडी में ह्यूमन में मेल गैमेट के। इसीलिए बहुत सारे क्या बनेंगे, मेल गैमेट बहुत सारे बनेंगे या फीमेल गैमेट बहुत सारे बनेंगे, दोनों बहुत सारे बनेंगे ह्यूमन में? मेल गैमेट बहुत सारे बनेंगे, स्पर्म बहुत सारे बनेंगे। ओवा कितना बनता है एक बार में? वन बनता है, एक महीने में एक ओवा बनता है लड़कियों के शरीर में लगभग में, तो लड़कियों के शरीर में एक ही ओवा बनेगा, इसीलिए एक फर्टिलाइजेशन में इतने सारे स्पर्म जाकर एक ओवा को फ्यूज करते हैं, और इसीलिए एक ही बच्चा पैदा होता है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। कोई दिक्कत यहां तक समझने में है तो पूछ लो जल्दी से बच्चों।
कोई दिक्कत नहीं होता। दो तरह का होता है, किसमें एक्सटर्नल होता है किसमें इंटरनल होता है, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म जिन्हें विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा होते हैं, तीन क्वेश्चन होता है आपको। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आगे चल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइएगा ब्रायोफाइट प्लांट में, टेडोफाइट प्लांट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। कहां से कहा तक पूछा हमने, ब्रायोफाइट प्लांट में, टेरिडोफाइट प्लांट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में, इन सभी में फर्टिलाइजेशन कहां होगा, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल। इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सिर्फ कौन से प्लांट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एल्गी में, थैलोफाइटा प्लांट में। तो थैलोफाइटा प्लांट में एक्सटर्नल होता है, बाकी सारे प्लांट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कोई दिक्कत? बोलो सर। कल वो आपने बताया था ना कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में वाटर मीडियम रहता है, तो नहीं, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ध्यान समझना। ब्रायोफाइटा प्लांट में जो स्पर्म है वो पानी में तैरता हुआ जाएगा, तैरता हुआ जाएगा, मीडियम वाटर होगा, पानी में तैरता हुआ जाएगा, लेकिन आर्किगोनिया के अंदर घुस जाएगा और आर्किगोनिया के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा फीमेल की बॉडी में। बात समझना, यहां पर मेल और फीमेल एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेल अपना स्पर्म कहां छोड़ देगा, ब्रायोफाइट प्लांट में, पानी में, पानी में, पानी के बहते हुए, बहते हुए पानी के साथ तैरता हुआ कौन जाएगा, तैरेगा कौन पानी में, स्विमिंग कौन करेगा, स्पर्म, मतलब मेल गैमेट। और मेल गैमेट स्विमिंग करते हुए पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, फीमेल की बॉडी में पहुंच जाएगा, आर्किगोनिया में पहुंच जाएगा, और फीमेल की बॉडी में जाएगा और वहां पर जो एग होगा उसको जाकर फर्टिलाइज करेगा। तो एग पानी में आया कि नहीं आया, एग पानी में आया या स्पर्म पानी से होता हुआ वहां गया। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरी बात समझ रहे हो। एग तो अंदर ही बैठा है आराम से, एग अपने घर पे बैठा है, स्पर्म पानी में तैरता हुआ गया, जूडियोगेमी किया, इसलिए फर्टिलाइजेशन जो हुआ, स्पर्म हुआ जो मिले, वो कहां मिले। पहला ऑप्शन है मेल की बॉडी में, दूसरा ऑप्शन है वाटर में, और तीसरा ऑप्शन है आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ कि एक्सटर्नल। इंटरनल, इंटरनल। याद रखना, ब्रायोफाइट प्लांट में, टेरिडोफाइट प्लांट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट में और एंजियोस्पर्म प्लांट में, इन सभी प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी क्लियर है आपको? यस सर। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कौन सा गैमेट मोटाइल होगा, कौन सा गैमेट नॉन मोटाइल होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है कि फीमेल गैमेट मोटाइल होता है, कि दोनों नहीं होते, कि दोनों होते हैं। आंसर सुनना इसका, मेल गैमेट। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में बात करें हम, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, और फीमेल गैमेट कैसा होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, नॉन मोटाइल होता है। इतना समझ में आया था पहली बार, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म केस में यही होता है। फिर सम केस में क्या होता है, जैसे कि हम बात करें सम एल्गी की, बात करें सम एल्गी में और सम फंजाई में पूछे, तो सम एल्गी में और सम फंजाई में बोथ गैमेट आर मोटाइल, दोनों के दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, बोथ गैमेट आर मोटाइल, मेल गैमेट भी मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट भी मोटाइल होता है, दोनों के दोनों गैमेट मोटाइल हो सकते हैं। किसमें, एल्गी में, कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में, चलेगा। सम एल्गी में, सम फंजाई में, दोनों के दोनों मोटाइल हो गए। और तीसरा बात बता रहे हैं, इन सीड प्लांट जो होते हैं, सीड प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं हम, हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हायर प्लांट जो होते हैं उनमें बोथ गैमेट आर नॉन मोटाइल, बोथ गैमेट आर नॉट मोटाइल,
नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। जो हमारे हायर प्लांट हैं, जो आज के जमाने के प्लांट हैं, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें कौन सा गैमेट मोटाइल है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट या दोनों नहीं है? दोनों के दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये स्पर्म ओवा के पास नहीं जा सकता, ओवा स्पर्म के पास नहीं जा सकता, तो दोनों दूसरे फ्यूज कैसे होंगे प्लांट में? तो प्लांट्स में दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल हैं, तो वहां पॉलन ट्यूब इस काम में हेल्प करती है। कौन सी ट्यूब बनती है? पॉलन ट्यूब बनती है जो जाकर स्पर्म को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेकर जाती है। खुद नहीं जाता मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, कौन लेकर जाता है उसको यहां से वहां तक? पॉलन ट्यूब। पॉलन बात समझ पा रहे हो? तीन कॉन्सेप्ट दिए हम। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट दिए, सम एल्गी और सम फंजाई में दोनों गैमेट मोटाइल हो सकते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट दिए, हायर प्लांट जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट में दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। याद रखना है कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपसे क्वेश्चन दिमाग में, अब ये क्वेश्चन आए कि दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल है तो कौन किसके पास जाएगा? तो मेल ही फीमेल के पास जाएगा, लेकिन कौन लेकर जाएगा यहां से वहां तक उसको? बताओ, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक कौन ले जाएगा प्लांट में? पॉलन ट्यूब ले जाएगी। कौन सी ट्यूब? पॉलन ट्यूब। ठीक है, कैसे ले जाती है डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको, टेंशन नहीं लो। तो पॉलन ट्यूब इस काम में मदद करेगी। खत्म हो गया यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट, खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट क्यों चलेंगे, अगला इवेंट कौन सा है पढ़ेंगे आप? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। तो पहली घटना क्या होगी फर्टिलाइजेशन के बाद? सबसे पहली घटना क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। तो सबसे पहली घटना है जाइगोट बनेगा। जाइगोट बताइए सभी ऑर्गेनिज्म बनता है या सम ऑर्गेनिज्म बनता है? आंसर है ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बनता है। याद रखना, जाइगोट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म में क्या बनता है? जाइगोट बनना कंफर्म है, पहली लाइन रखिएगा। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, सभी ऑर्गेनिज्म बनेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके शरीर में जाइगोट बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन, जाइगोट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे कि सम टाइम हैप्लॉइड सम टाइम डिप्लॉइड? जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉइड, ऑलवेज कैसे होते हैं? डिप्लॉइड ही होते हैं। कभी भी जाइगोट हैप्लॉइड हो सकता है क्या? जाइगोट कभी भी हैप्लॉइड हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नो सर, आंसर है नो, हमेशा और हमेशा जाइगोट डिप्लॉइड ही होता है। जाइगोट में कितनी सेल होती? तीसरा क्वेश्चन, जाइगोट स्पर्म नाम की एक सेल और ओवा नाम की एक सेल से मिलता है, मतलब कितनी सेल के फ्यूजन से बनता है जाइगोट? दो सेल के फ्यूजन से बनता है। तो बताइए जाइगोट में कितनी सेल होंगी, वन या टू? टू। वन। टू नहीं होगी बच्चा, याद रखना। आपसे कोई पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आटा की एक छोटी लोई है आपके पास, आटा की दूसरी लोई है, दोनों लोई को मिला दोगे कितनी लोई बन जाएंगी? एक बन जाए। तो वन प्लस वन इक्वल टू ऑलवेज टू नहीं होता, कभी कभी वन प्लस वन इक्वल टू वन होता है, बिग वन होता है, टू वन इक्वल टू एक बिग वन भी हो सकता है। वही हालत है, पानी की एक छोटी बूंद है, पानी की दूसरी छोटी बूंद, दोनों मिला दो कितने बूंद पानी? एक ही बूंद पानी रहेगा। तो वही हालत है यहां पर, याद रखिएगा। जाइगोट हमेशा और हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है, याद रखिएगा। जाइगोट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, जाइगोट हमेशा और हमेशा यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है,
कभी भी जाइगोट में एक से ज्यादा सेल हो सकती है क्या किसी के भी ऑर्गेनिज्म में? ह्यूमन के जाइगोट में कितनी सेल होंगी? क्वेश्चन है ह्यूमन के जाइगोट में कितनी सेल होंगी? आंसर है सिंगल सेल, वन सेल। याद रखिएगा किसी भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सबके शरीर में जाइगोट बनेगा, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, और चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया का, चाहे वो हाथी कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, सबके शरीर में जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जब भी बनेगा जाइगोट में कितनी सेल होंगी, मैक्सिमम कितनी सेल हो सकती है जाइगोट में? एक जाइगोट में मैक्सिमम कितनी सेल होती है? वन सेल ही होती है। एक जाइगोट में एक ही सेल होती है, याद रखिएगा एक से ज्यादा सेल नहीं हो सकती। याद रहेगी ये लाइन, तीन कॉन्सेप्ट लिए, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, जाइगोट में हमेशा एक ही सेल होती है, और जाइगोट जो होता है वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में बनता ही बनता है, कंपलसरी है। तो बताइए क्वेश्चन पूछा जाए, मैं कभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा होगा, मैं मल्टीसेलुलर हूं कि यूनिसेलुलर हूं? पहला क्वेश्चन, हम ह्यूमन यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है? लेकिन हमारा जन्म जो हुआ था, मेरी इतनी बड़ी बॉडी कितनी सेल से बनी होगी? सिंगल सेल से, जाइगोट से बनी हुई है। बनी है कि नहीं बनी? मैं कभी ना कभी जाइगोट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कभी ना कभी वो दिन रहा होगा जब मैं जाइगोट रहा होगा। आप सभी जाइगोट रहे होंगे, क्लियर है ना? तो जाइगोट से, एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है वो कितनी सेल से बना है? सिंगल सेल से। क्लियर है इतनी सी बात? तो एक सिंगल सेल से, वन सेल से, एक सिंगल सेल में जिसका नाम है जाइगोट, जाइगोट में कौन कौन सी घटनाएं हुई तो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना? बताइए जाइगोट से मैं किस घटना के बाद बना? दो घटनाओं के बाद। कौन कौन सी दो घटनाएं हुई जाइगोट में? पहली घटना हुई होगी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से मेरी शरीर में गिनती है नंबर ऑफ सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और एक सेल से लाखों सेल बन गई, हजारों लाखों सेल बन गई, पहली घटना हुई होगी। और दूसरी घटना क्या हुई होगी? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन दो घटनाएं हुई, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के बाद ये जाइगोट क्या बन गया? जो हम जाइगोट थे, जाइगोट से क्या बन गया इन घटनाओं के बाद? एम्ब्रियो। एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गए, हाँ एम्ब्रियो बन गए, चलो एम्ब्रियो ही लिख लो, कोई दिक्कत? एम्ब्रियो बन गए, फीटस बन गए, बेबी बन गए, पूरा पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। तो जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म किस घटना के बाद बनता है? पहली घटना क्या होगी? सेल डिवीजन। और दूसरी घटना कौन सी? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से क्या हुआ? मेरे बॉडी में नंबर ऑफ सेल बढ़ी, एक सेल से दो हुई, दो से चार हुई, चार से आठ हुई, आठ से सोलह हुई, इससे हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल हो गई होंगी कि नहीं हो गई होंगी? और एक मास का लोथड़ा इकट्ठा, इतना बड़ा इकट्ठा हो गया होगा, एक मास का लोथड़ा इकट्ठा हो गया होगा बॉडी के अंदर इस घटना के बाद, सेल डिवीजन के बाद। उसमें हाथ पैर मुंह नाक आंख कान होंगी कि नहीं होंगी? सेल डिवीजन बस होता तो हमारे शरीर में हाथ नाक कान मुंह कुछ होता क्या? नहीं होता, सिर्फ इतनी सारी सेल ही सेल होती। तो सेल डिफरेंशिएशन से मेरी बॉडी में आंख बनी होगी, कान बने होंगे, हाथ बने होंगे, पैर बने होंगे, ये सब बनने की घटना क्या कहलाएगी बॉडी में डेवलपमेंट की घटना को? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सेल बनने की, टिश्यू बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन नाम की दो प्रोसेस हुई, और उनके बाद ये जाइगोट क्या बन गया होगा? एम्ब्रियो। और इस तरह एम्ब्रियो बनने की घटना को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो फॉर्मेशन की घटना को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरह होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द, किससे बनेगा एम्ब्रियो? जाइगोट से। जाइगोट से आफ्टर द क्या क्या घटनाएं होंगी एम्ब्रियोजेनेसिस में? कौन कौन सी घटनाएं इन्वॉल्व होंगी एम्ब्रियोजेनेसिस? कौन सी दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है? सेल डिवीजन एंड
सेल डिवीजन हुआ और सेल डिफरेंशिएशन होगा, और इन दो घटनाओं के बाद आपके बॉडी में जो जाइगोट था वो जाइगोट से पूरा का पूरा एक इम्ब्रियो बन जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब ह्यूमन की बॉडी में बताइए, ह्यूमन की बॉडी में जाइगोट से इम्ब्रियो बनने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होगा? ह्यूमन की बॉडी है तो माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी? माइटोसिस होगा हमारे बॉडी में। वेरी गुड। हमारे बॉडी में हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेल डिवीजन कौन सा होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनते समय कौन सी घटना होती है जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें? माइटोसिस होना कंफर्म है। ठीक है, जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें मियोसिस हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। आपकी आपकी बुक में एक लाइन लिखा है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा? एनसीईआरटी की लाइन से ऐसा क्वेश्चन आता है, डॉट 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 इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। क्या फिल करोगे फिल इन द ब्लैंक्स में? कौन है जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को इंश्योर करेगा, ऑर्गेनिज्म को वन जनरेशन दूसरे जनरेशन तक ले जाएगा? कौन है वो? आंसर होगा जाइगोट। तो देखो एनसीईआरटी की ये लाइन है, आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, दिख गई, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ, दिख रही है? तो यहां से नीट में क्वेश्चन होने के चांस है इस लाइन से, उसे इस लाइन को ढंग से पढ़ लोगे। कोई दिक्कत? पढ़ लिया ये लाइन, आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं, इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन की ओर चलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो घटनाएं पढ़ लिए, पहला जाइगोट बनना, जाइगोट से क्या बन गया? इम्ब्रियो बन गया। अब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा था, हाथ नाक कान पैर सब कुछ बन रहे थे, बनते 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 आपका सर्टेन टाइम के बाद सब कुछ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जाइगोट से इम्ब्रियो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों? कुछ समय के बाद बन जाएगा। जब जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा होगा उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं ह्यूमन में? जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा होगा तो ह्यूमन की बॉडी में क्या बोलेंगे? उसे कहते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, या गेस्ट, या आपको क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, कौन सा पीरियड? गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? जब से जब तक इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारी बॉडी में चल रहा होता है, हमारी बॉडी में छोटे से जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा होता है मां की बॉडी में, उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन के गेस्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है, कितने मंथ का या कितने दिन का होता है, पता है आपको ह्यूमन का? 9 मंथ का। गलत जवाब, कोई और आंसर सुधारेगा? ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ। नहीं पता, आंसर है 9 मंथ 9 डेज। याद रखिएगा 9 महीने और 9 दिन। नहीं पता था तो याद रखना, 9 मंथ 9 डेज सही टाइम है ये। कितने दिन का होता है? 9 मंथ एंड 9 डेज, 9 महीने 9 दिन। अगर डेज में बात करें तो 270 से 280 डेज, कैलकुलेट कर लेना डेज में 9 महीने को कन्वर्ट करके, 270 से 280 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन में जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी में। और इस दौरान बॉडी का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेबी का फीटस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जब फीटस पूरे डेवलप हो जाएगा, बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बॉडी से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जाइगोट से जब इम्ब्रियो बन रहा था किससे क्या बन रहा था? जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर दीजिए, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये दो प्रोसेस का है कॉमन
सर अब क्या आवाज नहीं आ रही? कहा हो सकती है क्या बच्चा आवाज नहीं आ रही क्या? सर बीच में रुक गया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी अंदर या फीमेल की बॉडी के बाहर से कहीं पर भी एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकती है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहां होती, क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर दीजिए। एम्ब्रियोजेनेसिस कहां होगी, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? अंदर, इनसाइड द बॉडी। ह्यूमन में अंदर होगी, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में बाहर भी होती, दोनों जगह होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। जिनके शरीर में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस अंदर होगी, उसके शरीर में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहां होगा, बॉडी के अंदर। किसकी बॉडी में, लड़का के शरीर में कि लड़की के शरीर में? कहां डेवलप होगा एम्ब्रियो, कहां न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा? फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में। इसलिए जब वो बच्चा डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी से बाहर कौन निकलेगा? बेबी बर्थ लेगा, एक ऑर्गेनिज्म, एक नया बेबी, न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ लेगा। जो न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे, कौन न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे, जिनके बॉडी के अंदर, लड़की के शरीर के अंदर अगर बच्चा एम्ब्रियो डेवलप हुआ है तो वो डायरेक्ट सही से कौन निकलेगा, बेबी का बर्थ होगा। समझ पा रहे हो, आवाज आ रही है ना मेरी? और दूसरा ऑप्शन है, बॉडी के बाहर अगर एम्ब्रियोजेनेसिस हुई है तो उसमें क्या होगा, बॉडी के बाहर जाइगोट निकल कर आ जाएगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो कहां बन रहा होगा, बॉडी के बाहर बन रहा होगा। किसी को याद आ रहा किसी ऑर्गेनिज का नाम जो बॉडी के बाहर, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता हो, जिसमें प्रेग्नेंट नहीं होती लेडी? बोलो, किसी भी ऑर्गेनिज का नाम याद हो जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, किसी ने देखा है? कोई एनिमल्स का नाम बताइए। हाँ, हेंस, पक्षी, बर्ड्स, जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी क्या देते हैं, अंडा देते हैं। क्या निकलता है उनके शरीर से, ये अंडा देते हैं पक्षी। क्या देते हैं बर्ड्स, अंडे देते हैं, एग देते हैं। एग में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग? फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालते हैं पक्षी जो होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ या बॉडी के बाहर? पक्षियों में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, बर्ड्स में, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? अंदर हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस कहां होती है उसमें, पक्षियों में एम्ब्रियोजेनेसिस कहां होगी? एक्सटर्नल, बाहर, बॉडी के बाहर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस अंडे की एक खोल होगी, एक रक्षा कवच है, ये जो आपको व्हाइट कलर का जो बाहर में दिखता है अंडे का खोल, इसे क्या कहते हैं, रक्षा कवच है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना, जाइगोट को। इसके अंदर कौन होगा, छोटा सा नन्ना सा जाइगोट होगा। देख पा रहे हो, अंडा एक, आपने मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा के अंदर कितनी सेल होती है, एक अंडे में कितनी सेल होंगी? वन सेल होंगी। एक अंडे में एक ही सेल होती है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ी सेल कौन सी है, एग ही है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, अंडा है। एक सेल है इतनी बड़ी, जो मुर्गी जो अंडा देती है वो कितनी सेल होती है, एक अंडा देखोगे मतलब कितनी सेल देखा, वन सेल। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट होगा। जाइगोट के चारों तरफ क्या होगा, रक्षा कवच होगा, प्रोटेक्टिंग लेयर होगी। ये प्रोटेक्टिंग लेयर किस चीज की बनी होती है, बहुत हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी? अंडे की लेयर जो होती है, कवच होता है, कवच हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? हार्ड होता है। और इसे क्या कहते हैं, कैलकेरस सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलकेरस, CALCAREO, यूज कैलकेरस सेल। क्या बोलते हैं, कैलकेरस सेल के नाम से जानते हैं, याद रहेगा, कैलकेरस सेल कहते हैं। बहुत हार्ड होता है कि बहुत सॉफ्ट होता है बाहर का लेयर? हार्ड होता है। बोलो, हार्ड होता है। इसका काम क्या है, कैलकेरस सेल का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, जाइगोट को। जाइगोट को अगर बाहर पे सुटेबल कंडीशन मिलती रही, जाइगोट में क्या क्या घटना होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस घटना होगी कि नहीं होगी,
और ये समय के साथ ये जाइगोट क्या बन जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जाइगोट क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और कुछ दिनों के बाद और इम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाएगा तो ये अंडे की कैलकरस सेल फट जाएंगी और इससे एक नया बेबी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस तरह इसकी मां ने बच्चे को जन्म दिया या अंडे ने जन्म दिया बच्चे को, इसकी इसकी मांस के शरीर से बच्चा निकलता हुआ दिखेगा या अंडे से निकलता हुआ दिखेगा, अंडे से, अंडे से निकलेगा। और इसके शरीर में गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली ह्यूमन में कैसा कहां से बच्चे निकलते हैं, अंडे से या माँ के शरीर से, आप कहां से निकले हो, अंडे से निकले हो या माँ के शरीर से निकले हो, माँ के शरीर से। तो हम सभी हाँ माँ की बॉडी से बाहर निकले, अपनी मदर की बॉडी से बाहर निकले हैं, इसलिए बर्थ दिया हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है। और जो जो ऑर्गनिज बर्थ लेते हैं, बर्थ देने वाले ऑर्गनिज जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं बर्थ देते हैं, उन ऑर्गनिज को बीबी पैरस कहते हैं, बीबी पैरस। तो हम कैसे ऑर्गनिज में बीबी पैरस है कि ओबी पैरस है, जो अंडे देती है उनको क्या कहते हैं, जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, ओबी पैरस, ओबी पैरस। तो दो तरह के ऑर्गनिज होते हैं दुनिया में, जिनमें बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम बीबी पैरस कहते हैं, और जो अंडे को जन्म देते हैं अंडे बाहर निकालते हैं बॉडी से बाहर उनको ओवी पैरस कहते हैं। दुनिया में दो तरह के ऑर्गनिज होते हैं, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से, ओवी पैरस और बीबी पैरस। बताइए कबूतर किस में आएगा, ओवी पैरस है या बीबी पैरस है, ओवी पैरस, ओवी पैरस है, ओवी पैरस। हाँ कबूतर ओवी पैरस, बर्ड्स ज्यादा बर्ड्स जो होते हैं वो ओवी पैरस अंडे को देते हैं। और अंडे में क्या होता है, एक सेल होती है जाइगोट, और जाइगोट से धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद क्या बन रहा होता है, जाइगोट से क्या डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के बाहर ओवी पैरस ऑर्गनिज में बाहर होती है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, बॉडी के अंदर या बाहर, अंदर, अंदर। हाँ फर्टिलाइजेशन, हाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, बट एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के बाहर होता है ओवी पैरस ऑर्गनिज में। ये अंडों को जन्म देते हैं और इस अंडे से एक नया ऑर्गनिज बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत, ओवी पैरस बीवी पैरस क्लियर है दोनों वर्ड। ओवी पैरस शरीर के शरीर में जाइगोट को प्रोटेक्शन देने के लिए उसकी केयर करने के लिए कौन होगा, कैलकेरियस सेल, हाँ कैलकेरियस सेल होगी। कैलकेरियस सेल का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, कैलकेरियस सेल। अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई, एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देना। अब पूछा है ओवी पैरस का एग्जांपल बताइए, कौन कौन से ऑर्गनिज में जो ओवी पैरस होते हैं, तो आपकी बुक ने लिखा है रेप्टाइल्स बर्ड्स, ये जितने भी होते हैं रेप्टाइल्स जितने होते हैं और बर्ड्स जितने होते हैं ये सभी के सभी ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का एग्जांपल आपकी बुक ने क्या क्या लिखा है, सारे तरह के रेप्टाइल्स, और कौन होगा दूसरा नाम क्या दिया है, बर्ड्स, बर्ड्स। आप जानते हो रेप्टाइल्स के नाम तो आपको पता है, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, टर्टल्स, ये छिपकली हो गई, सांप हो गए, ये सब रेप्टाइल्स है ना, ये अंडे देते हैं। तो रेप्टाइल्स अपने अंडे देते हैं, अंडे से बच्चा निकलता है। बर्ड्स में भी क्या होता है, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो भी अपने अंडे देते हैं, अंडे से बच्चा निकलता है। तो अंडे किसमें दिखते हैं, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में कॉमन है अंडे, चलेगा, ओवी पैरस ऑर्गनिज कहलाते हैं ये। और जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो सब बीबी पैरस है। बीबी पैरस के नाम बताइए, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सब बच्चों को पैदा करते हैं या अंडे देते हैं, ये सब बताइए क्या करती है, गाय अंडे देती है क्या, वेरी गुड। अब बात करें प्लांट्स में, प्लांट्स में आपके जाइगोट से, जाइगोट आपका प्लांट की बात करें, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहां होती है, ओब्यूल्स के अंदर होती है। प्लांट में कहां होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, इनसाइड द ओब्यूल्स, ओब्यूल्स के अंदर, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओब्यूल्स होता है, और ओब्यूल्स के अंदर में आपके एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, याद रखना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कहां होती है, एम्ब्रियो कहां बनता है, ओब्यूल्स के अंदर बनता है। इसीलिए आपसे पूछे प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटनाएं बताइए।
बताइए प्लांट्स में कभी आपने फ्रूट देखा है? फ्रूट किससे बनता है? प्लांट के कौन से पार्ट से फ्रूट बनता है? ओवरी से। वेरी गुड, ओवरी से बनता है फ्रूट। पहली बात याद रखिएगा, ओवरी की बाल से क्या बनेगा? ओवरी की वॉल से कौन सा पार्ट बनेगा? पेरिकार्प। क्या बनेगा? पेरिकार्प में कन्वर्ट जाता है। तो पेरिकार्प ओवरी की वॉल बनती है और पूरी पूरी ओवरी को एक साथ फ्रूट कहते हैं। सीड किससे बनेगा? सीड ओव्यूल से सीड बनता है। और बाकी के पार्ट जो फ्लावर के होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो सब क्या होते हैं? वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, तो इनका कोई काम नहीं है। सेपल, पेटल और इनका कोई काम नहीं, सब झड़ जाते हैं। कौन कौन झड़ जाते हैं? सेपल का कोई यूज नहीं है, पेटल्स का कोई यूज नहीं है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्टेमेन का कोई यूज नहीं है, सबका यूज नहीं है। ये सभी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कोई दिक्कत है समझने में? तो आपसे कोई पूछे सीड का फॉर्मेशन प्लांट में किस पार्ट से होता है? ओव्यूल से। पेरिकार्प किससे बनता है? ओवरी की वॉल से। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नहीं भी आया है तो टेंशन मत लो, चैप्टर खत्म हो चुका है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जितना समझ में आया। नहीं आया टेंशन मत लो, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था, सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर अब आपको डिटेल में पढ़ना है, दो चैप्टर इसके अंदर आएंगे। पहला चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता, डिटेल में पढ़ाएंगे एक चीजों को। और दूसरा पोर्शन आएगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमन, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन आपको जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन और एनिमल में भी रिप्रोडक्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी जूलॉजी का, पूरी बायोलॉजी का। ट्वेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही दो है, एक तो रिप्रोडक्शन है, दूसरा जेनेटिक्स है। तो अगला चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या होगा? नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया ये वाला, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। 3 स्टार दे सकते हो चैप्टर को, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले बता देते हैं। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, जो चैप्टर आपका पढ़ा दिए हैं, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेन क्वेश्चन आएंगे आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग।